और अगर आपने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी होगी तो बिट्टा कराटे का सीन आते ही आपका खून खौल उठता होगा, आपको गुस्सा आता होगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिट्टा कराटे इन दिनों कहां है। इस रिपोर्ट के जरिए आपके सवाल का जवाब जानिए। बिट्टा कराटे कश्मीरी पंडितों का कसाई आखिर आज कहां है? मसले का एक ही हल। क्या हुआ बिट्टा कराटे का? आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। इसकी शुरुआत होगी द कश्मीर फाइल्स के उस सीन से जब फिल्म में सबसे बड़ा आतंकी ये कबूलता है कि उसने 20 से 25 निर्दोष लोगों का कत्ल किया। भाई को मार दो तो मार देते, पर आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते, मार देते। फिल्म द कश्मीर फाइल में बिट्टा कराटे का किरदार मराठी एक्टर चिन्मय मांडलेकर ने निभाया है, और जिस तरह फिल्म में बिट्टा कराटे ने 20-25 लोगों के कत्ल की बात कबूली है, ठीक उसी तरह 3 दशक पहले एक टीवी इंटरव्यू में बिट्टा कराटे ने यह गुनाह ठोक कर कबूल किया था। तब बिट्टा कराटे ने एक सवाल के जवाब में कहा था, 20 से ज्यादा लोगों को मार चुका हूँ, ज्यादा कश्मीरी पंडित थे, कुछ मुसलमानों को भी मारा है। मुझे इसके लिए ऊपर से ऑर्डर मिलता था, मुझे अगर मेरे भाई को मारने को कहा जाता तो मैं अपने भाई को भी मार देता, माँ को मारने को कहा जाता तो मैं उसे भी मार देता। फारूक अहमद डार और बिट्टा कराटे को ऊपर से ऑर्डर कौन देता था? तो इसी इंटरव्यू में बिट्टा कराटे ने उस शख्स का नाम भी लिया और ये बताया कि पहला कत्ल उसने किस कश्मीरी पंडित का किया। मुझे इश्वाक मजीद वानी से ऑर्डर मिलते थे। इश्वाक मजीद वानी ही मुझे पीओके में 1988 में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिलाने ले गया था। इश्वाक मजीद वानी घाटी में लिस्ट भिजवाता था और मैंने पहला मर्डर सतीश कुमार टिक्कू का किया था। सतीश कुमार टिक्कू एक कश्मीरी पंडित थे और वो एक कारोबारी थे और उनके दोस्त का नाम था बिट्टा कराटे, यानी कि सतीश कुमार और बिट्टा कराटे दोस्त थे। लेकिन बिट्टा कराटे ने सतीश जैसे बहुत से हिंदुओं का कत्ल किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको शक था कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बिट्टा कराटे तब इंटरव्यू में कहने से हिचकिचाया नहीं था कि वो ये कत्लेआम खुलेआम करता था और चाहता था कि कश्मीरी हिंदू उसे कत्ल करते हुए देखें और उसके खौफ में जिएं। नहीं, मैं कत्ल के समय नकाब नहीं पहनता था, लोग देख रहे होते थे कि मैंने मारा है, लोग पहचानते थे मुझे, निशाना लगाने में कभी फेल नहीं हुआ, मसल पावर थी, पिस्टल फायर में मसल पावर चाहिए, 20-30 गज से पिस्टल से गोली चलाता था मैं, सीधे सिर या दिल में गोली मारता था, AK-47 का इस्तेमाल स्टेट पुलिस पर करता था। बिट्टा कराटे का यह कबूलनामा 3 दशक पहले का है। 22 जनवरी 1990 को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फारूक अहमद डार यानी बिट्टा कराटे को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। उस वक्त उसके ऊपर 20 मुकदमे थे। अगले 16 बरस बिट्टा कराटे ने हिरासत में बिताए, लेकिन 2006 में टाडा कोर्ट से उसको जमानत मिल गई। यह जमानत उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण दी गई थी। बिट्टा जब जेल से छूटा तब उसने रास्ता बदला, राजनीति में घुसा, अलगाववादी नेता कहलाने लगा, मुंह पर भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत का समर्थन था, कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए दोनों देशों से अपील करने लगा। कुछ ही साल में वो JKLF का चीफ बना। बिट्टा कराटे के इस रूप को द कश्मीर फाइल्स के अंत में भी दिखाया गया। रियल लाइफ में बिट्टा कराटे एक प्यादा था पाकिस्तान का, वो उसका असली चेहरा नहीं था। असल में वो पाकिस्तान की तरफ से यानी ISI की तरफ से उसको फंडिंग मिलती थी और वो काम करता था, लेकिन 2019 में पुलवामा हमले के बाद से इन सभी फंडिंग को रुकवाने के लिए बैन कर दिया गया था। बिट्टा ने 2019 में इस कार्रवाई के दौरान कबूला कि उसे और बड़े अलगाववादी नेताओं को घाटी में आतंक फैलाने के लिए ISI से अच्छी खासी रकम मिली, जिसके चलते बिट्टा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के रडार पर आया और मार्च में NIA ने बिट्टा कराटे समेत कई अलगाववादियों को गिरफ्तार किया और तब से बिट्टा कराटे जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।